ये 3 चम्मच अब ये बाजी ने कहे लाल मिर्चों के डाल दो, ये एक डाल दिया हमने और ये दूसरा डाल दिया, जो कि ये अब ये तीसरा डाल दिया, चौथा अब हम अपनी आंखों में डालेंगे। तो फैमिली आज हम पापा के बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो गाइस, ये आपकी आइसक्रीम है, ये चॉकलेट आइसक्रीम है। तो असर अली आज हमारे असर अली हाथ लगे मेरे, जो मेरी फैमिली आपको देख रही है, बहुत आपको प्यार करती है, तो आज बच्चों की खुशी में है फैमिली। आपके दांत कोई पीले हो गए तो बेटा कोई बात नहीं, दांत पीले हो गए तो अली खाने में बहुत ज्यादा काम है। हाँ जी गुरु, चलो थैंक यू। क्या बात और बच्चे खेलने में लगे। फैमिली अभी हम घर आ चुके हैं और सुबह से बाजी ने साग काट के रखा हुआ है, तो आए फैमिली आपको दिखाते हैं साग कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सरसों का साग कहा जाता है, सरसों का ही फेवरेट देसी साग है। तो ये एक जग तो हमने गाइस हमने डाल दिया है, ये 3 किलो प्याज है और 2 पालक की गुठलियां और एक बाथरूम है भी सारा पाद है, जिसमें कि इसमें मेथी भी डलती है फैमिली, तो हम मेथी ही डालते हैं। हमारी बाजी वो के लिए किस लिखना वो बाथू डालती है, जिसको पंजाबी में कहा जाता है बाथू। तो फ्रेंड
माशाल्लाह मुझे साग इतना पसंद है। कितना पानी डाल दिया बेटा तुमने। देखिए फैमिली ये हमारी बेटी कितनी प्यारी है, हमारे साथ ये मेहनत भी करवाती है और खाना भी पकाती है। और ये खासतौर पर फैमिली हमारी रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती है हमारी मिश्रा बेटी। जो तो बाजी अस्सलाम वालेकुम, सफाई कर ली बाजी? चलो फैमिली, बाजी ने कहा है कि इसको साग को ना अगर लकड़ियों पे या कोयलों पे बनाया जाए तो बेहतर होता है, तो हमने इसको लकड़ियों पे बनाने का सोचा है। तो फैमिली आए इसको अब लकड़ियों के ऊपर रखते हैं। ये खाने वाले ही फैमिली, ये दो बलूंगड़े ये तो हम सबसे पहले इसमें ना लकड़ियां रखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ फैमिली, ऊपर से हमने चूल्हे का ढक्कन हटा दिया और मामू इस चेकिंग, क्योंकि इनको अपनी नाखूनों में डाल लेना, इसलिए वो चेक कर रही हूँ। अगर ये नहीं चली तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा नाक। तो गाइस आए, ये जंगल से हम खुद काट के लाए लकड़ियां गाइस। जिनको इस पार्लर के जरिए रोकेंगे सब चीजें जा रही है, फैमिली अभी देखें बाजी मिर्चे काट रही है। तो बाजी मिर्चों के बाद क्या क्या काटेंगी, हमारा हाथ तो नहीं काट देंगी? अभी बाजी ने मिर्चे काट के दिए, जिसके बाद अभी दोनों फरिश्ते गए जो स्पीड से जा रहे हैं। मैं दोनों बेटा ये धो लेना, कहीं आंखों को भी लगा देना। फैश वॉश से आपने हाथ धोने, फैश वॉश से। इसके बेटा आपने इस मिर्चों के बाद आपने हाथ अपने मुंह पे नहीं लगाने, फ्रेश वॉश से धोने। हाँ, फ्रेश वॉश। आपकी आँखों पे अगर ये मिर्चों के हाथ लग गए तो फ्रेंड्स ये जो मिर्चें ये हमने घोलो के मुंह पे लगानी ताकि ये रगड़े इनके दांतों में। हाँ, मिर्चे डालने लगे गाइस। ये इंशा मिर्चे डाल रही है अपने हाथ से, गौर से देखें गाइस। ये इंशा बहुत अच्छा बनेगा गाइस। अभी आपको 5 मिनट के बाद आपको तो अब हम लहसुन डालने वाले जो कि सरसों का साग है। अब ये देखिए कैसे बन रहा है। ओह, अब इसकी गर्माइश बहुत आँखों पे लग रही है क्योंकि लकड़ी पे गैस बन रहा है, और ये लकड़ी पे बने तो बहुत टेस्टी होता है। आंसू आ रहे फ्रेंड, आप देख सकते हैं आंसू। खाने के आंसू है। ये 3 चम्मच अभी बाजी ने कहा लाल मिर्चों के डाल दो, ये एक डाल दिया हमने और ये दूसरा डाल दिया, जो कि ये अब ये तीसरा डाल दिया, चौथा अब हम अपनी आंखों में डालेंगे क्योंकि हमारी आंखें काम करना छोड़ दी। और ये इंशा हल्दी डालेंगे बेटे, 1 चम्मच अपनी नाक में डालना, 3 चम्मच देगड़े में, 1 चम्मच ही पा दे बस। वाले इनको बोले चश्मे भी ले आओ अपने लिए, लकड़ियों को बनाने के लिए फैमिली। 2.5 चम्मच तो गाय लाए, अब 2.5 चम्मच साथ में हम डालने लगे। आँखों पे हमला कर रहा है। 2.5 चम्मच कितने हो गए? 2 और ये 2.5। तो आए गए 2.5 के बाद अब अपनी आँखों की होगी नहीं। हेलो गाइस, हमने ये सारे सामान डाल दिया है जो डालने के मसाला वगैरह जो भी है, और अब गाइस को हम 4-5 घंटे थोड़ा इसको दम पे रख देंगे। और गाइस आपको बताना भूल गया, इसमें हम मेथी नहीं डालते क्योंकि बाद लोग मेथी गाइस डालते, मेथी से भी बनता है अच्छा। और ये बाजी हमारी मेथी नहीं डालती, वो इसलिए वो बाथू डालती हैं कि बाथू से ही बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। कभी आप बाथू से ही बना के देखें, बाद लोग मेथी ही ज़्यादा डालते। और ये उसके साथ है बाजे की रोटियां। तो फैमिली डाल के इतना
यम्मी बनाया है, सो लेट्स ट्राई इट। इस बात का बता को बस। तो फैमिली अब दाव को हम तंग करेंगे जान के, फिर हमें मजा नहीं आया साथ में। थ्री टू वन गो। दादा साहब अच्छा ही नहीं बना, इतना नमक आपने डाल दिए। मजा आया था खाकर हैं इनसे जी, बहुत मजा। तो फैमिली अब हमने डाल दिए, तो चलिए अब देते हैं। अगर आपको हमारा साथ बनता और व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। खुदा हाफिज़। बोले भाई वही तो।